कविता किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे बटर पनीर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए गैस पर हम कढ़ाई चढ़ाएंगे। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच तेल और 2 चम्मच बटर। बटर को पिघलने देंगे। तो अब बटर पिघल चुका है, तो अब इसमें डाल देंगे 3 से 4 लौंग, 3 छोटी इलायची। इसे थोड़ा चला देंगे। अब इसमें डाल देंगे 2 बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को सॉफ्ट होने देंगे। तो अब प्याज सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे 1 इंच अदरक, 4 से 5 लहसुन, 20 काजू और 3 टमाटर। इसे चला देंगे। अब इसे 10 मिनट के लिए ढक करके पकने देंगे। गैस हम मीडियम रखेंगे। तो अब 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब गैस बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। तो अब ये ठंडा हो चुका है। तो अब हम एक मिक्सर जार लेंगे, इसमें हम इसे डाल देंगे। अब इसे हम पीस लेंगे। तो देखिए, इसे हमने पीस लिया है। अब इसे हम छान लेंगे। आप चाहे तो नहीं भी छान सकते हैं। इसे हटा देंगे। फिर से हम गैस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच तेल और 2 चम्मच बटर डाल देंगे। बटर को पिघलने देंगे। अब इसमें डाल देंगे 1 तेज पत्ता, 1 हरी मिर्च। इसे मिला देंगे। अब इसमें डाल देंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज। इसे मिला देंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। गैस मीडियम रखेंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे। गैस हम धीमी कर देंगे। अब इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे, 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब इसे मिला देंगे। थोड़ी देर के लिए इसे भून लेंगे। अब इसमें हम इस पेस्ट को डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसमें डाल देंगे। अब इसे मिला देंगे। गैस यहाँ पर मीडियम कर देंगे। अब इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें से तेल ना अलग होने लगे। अब इसमें 2 चम्मच मलाई डाल देंगे। गैस यहाँ पर धीमी कर देंगे। मलाई की जगह पर आप चाहे तो क्रीम भी ले सकते हैं। इसे हम अच्छी तरह से मिला देंगे। तेजपत्ता को हम निकाल देंगे। अब इसमें हम पनीर को डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। अब इसमें 1/2 कप पानी डाल देंगे। इसे मिला देंगे। और इसे 5 मिनट के लिए ढक करके पकने देंगे। तो अब 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी और धनिया पत्ता। इसे मिला देंगे। अब गैस बंद कर देंगे। तो अब बटर पनीर मसाला बनकर तैयार है।
तो आप भी अपने घर पर इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।